कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के समुचित इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम में भी इलाज की व्यवस्था की गई है, जिसमें 25 बेड के फातिमा हॉस्पिटल L2 फैसिलिटी के रूप में संचालित हो गया है और दूसरा 70 बेडेड होप पेनेसिया हॉस्पिटल 1 से 2 दिन में संचालित हो जाएगा। होप पेनेसिया हॉस्पिटल को IMA द्वारा चलाया जा रहा है। अब उन मरीजों को शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा जिन्हें गंभीर समस्या थी, अब उन्हें अपने ही जनपद में समुचित इलाज की व्यवस्था मिल जाएगी, जिसके लिए मरीज को प्रतिदिन निर्धारित धनराशि देनी पड़ेगी। इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी मरीजों का कोरोना इलाज Level 2 के निजी अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए गैर आयुष्मान मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान करना होगा। सामान्य लक्षण के मरीजों को प्रतिदिन 8,000 रुपए की दर से जबकि गंभीर मामलों में 13,000 रुपए प्रतिदिन की दर से देना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कोविड इलाज के लिए हम लोग प्राइवेट नर्सिंग होम जिसमें कोविड को रखने के लिए सेपरेट बिल्डिंग हो या सेपरेट टावर हो, ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करने का प्रयास किया है, जिसके तहत अभी तक फातिमा हॉस्पिटल जो कि 25 बेडेड है L2 फैसिलिटी के रूप में वो चल भी रहा है और दूसरा पनेशिया होप पनेशिया हॉस्पिटल 1-2 दिन में 70 बेडेड वो चलने लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल पूरा कोविड हॉस्पिटल के रूप में चलेगा। कुछ और भी चिकित्सालयों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, निर्देशित भी किया था, परंतु उनके यहाँ अलग से एंट्री और अलग से एग्जिट का प्राविधान ना होने की वजह से नॉन कोविड और कोविड को मिक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी मजबूरी की वजह से अभी उन्हें ये कहा गया है कि आप ऐसा प्रयास करें कि दोनों विंग्स सेपरेट हो जाएं तो आपके यहाँ ये चलाया जाएगा। फिलहाल यही 2 सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से है, एक को IMA चला रहा है जो होप पेनेसिया हॉस्पिटल है और एक फातिमा हॉस्पिटल चल रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ रेलवे हॉस्पिटल में 25 बेड का 6 वेंटिलेटर के साथ वहाँ भी एक L2 फैसिलिटी शुरू की है और उसके पूर्व से ही हमारे 100 बेड TB हॉस्पिटल में हमने L2 फैसिलिटी शुरू कर रखी है। तो इस तरह से उन मरीजों को जिनको कि ज़्यादा समस्या है, गंभीरता है, गंभीर हो गए हैं, उन्हें शहर में ही इलाज मिल सके, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारी कोशिश हो रही है। BRD मेडिकल कॉलेज में चूंकि 40 बेड वेंटिलेटर के और 200 सामान्य बेड हैं, वो करीब करीब भरे रहते हैं, इसलिए अन्य अस्पतालों और अन्य जगहों पर हम इसको तैयार कर रहे हैं। सब जो लोग प्राइवेट इलाज ले रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना है और देना है तो कितना मानक तय करें? ये भारत सरकार की गाइडलाइन और यूपी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यूपी ने शासनादेश जारी किया है कि अगर NABL हॉस्पिटल हैं तो क्या चार्ज लेना है, अगर नॉन NABH हॉस्पिटल हैं तो क्या चार्ज लेना है। मोटे मोटे तौर पे सामान्य मरीज जिसको थोड़ी सी सांस फूल रही है, हल्का बुखार है या अन्य चीज़ है, जो सामान्य इलाज के बेड पे रहेगा उसे 8,000 रुपया, उससे थोड़ा गंभीर को 13,000 रुपया और गंभीर को 15,000, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी पर बेड पर डे, ये निर्धारित किया गया है। उन्हीं मानकों के अनुसार वो चार्ज करेंगे और मरीज़ का ट्रीटमेंट देंगे। ये पेमेंट फैसिलिटी हैं प्राइवेट वाली और निःशुल्क वाली हमारी रेलवे की है 100 बेड TB अस्पताल में। सर, जिनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड हैं उनको भी प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित किए गए हैं उनमें इलाज मिलेगा और उन्हें कुछ नहीं देना होगा। आयुष्मान भारत का अलग से जो कोविड इलाज के लिए तय धनराशि है वो जैसे अन्य बीमारियों के लिए उनके खाते में आ जाती है, उसी तरह से उन प्राइवेट हॉस्पिटल के खाते में आ जाती है।